केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी में नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर नियुक्तियों में दलितों और एससी/एसटी की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, साक्षात्कार आधारित नियुक्तियों में दलितों और ओबीसी के अलावा एसटी को भी योग्य नहीं बताया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, ऐसी नियुक्तियों पर सरकार तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। अनुप्रिया पटेल जो कि बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और अनुप्रिया पटेल ने यूपी में नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की सीधे इंटरव्यू वाली भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को एक पत्र लिखकर यूपी में ओबीसी एसटी/एससी की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी में ऐसी भर्ती में जिसमें सीधे इंटरव्यू करके नियुक्ति की जाती है, अभ्यर्थी अगर अपनी जाति का जिक्र करता है तो उसे योग्य नहीं है लिखकर उस पद को अनारक्षित मान लिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने इस पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। ये ना आरक्षण देना चाहती है और ना जो दबा कुचला समाज है उसको उसका हक देना चाहती है। तो इस तरीके की जो भी मांग की जा रही है मुझे लग रहा है बेबुनियाद है, और ये जो सरकार है ये सरकार इस बात को नहीं मानेगी। अनुप्रिया पटेल ने पत्र में लिखा है कि ऐसा करने से इन वर्गों के अभ्यर्थी नाराज हैं, लिहाजा हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं जिनके लिए रिजर्व की गई हों। तो हमारे सहयोगी हैं, अगर सुझाव दे रही हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, पारदर्शिता के आधार पर जो योग होगा उनको नियुक्त किया जाएगा। दरअसल आपको ये भी हम बताते हैं कि ये पूरा मामला इस वक्त इतना सुर्खियों में क्यों है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें ये माना गया है कि बीजेपी से ओबीसी समुदाय के साथ साथ एससी समुदाय का एक बड़ा तबका भी छिटका है, जिसने कि 2019 में पार्टी को वोट किया था, और इसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जो प्रचार किया गया था कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, वो एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं एनडीए के जो सहयोगी दल है वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये डर सता रहा है कि अगर ये मुद्दा इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो फिर उनकी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। अनुप्रिया पटेल ने यह मुद्दा उठाया है कि जो नियुक्तियां हैं उसमें ओबीसी और एससी/एसटी को लेकर के जो आरक्षित सीटें होती हैं उसमें साक्षात्कार में उन्हें अयोग्य बता दिया जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इन समाजों से आने वाले जो छात्र हैं उन्हें निराशा हाथ लगती है और वे सरकार से खफा होते हैं। Zee News.